सो हुआ है इतना बड़ा कांड। अभी आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ। बदाम से पिक्चर तैयार कर सी। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसा है मंडली? तो आज है सैटरडे। सैटरडे को मैडम को छुट्टी रहती है, संडे को भी छुट्टी रहती है, एंड मंडे की छुट्टी ली गई है स्पेशली हमारे रिक्वेस्ट पे। तो दोस्तों, अपनी जो नेक्स्ट ट्रिप है, जिसके बारे में मैंने आपको अनाउंसमेंट करके बता दिया था, वो आज अभी यहाँ पे शुरू हो रही है। हम जा रहे हैं 3 दिन के ट्रिप के लिए ऑन कास पठार। सो अभी हम है ये ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे के ऊपर, जा रहे हैं टूवर्ड सातारा। कास पठार सातारा में है। अगर जिसको भी पता नहीं है कास पठार क्या चीज़ है, तो प्लीज़ एक बार सर्च कर लेना। कास पठार का जो प्लान है वो कल का रहेगा। आज हमें कोई थोसेघर धबधबा, जो कि वर्ल्ड फेमस है, ऐसे मेरे डैड से बताया गया है मुझे। मुझे तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं है, बट मैंने कुछ इमेजेस देख ली थी एंड वो इमेजेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो ये गई 1 BHK। अच्छा, फॉर्चुनर का मैं 1 BHK ही बोलता हूँ, तो कुछ लोग रिलेट कर सकते हैं, आई होप सो। नाउ लेट्स गो। ऑलवेज मेरा फेवरेट HP पेट्रोल पम्प। सो अभी यहाँ पे पेट्रोल तो नहीं भराना है, क्योंकि पेट्रोल में ऑलरेडी घर से टॉप अप करके लाया था पूरा फुल टैंक। बट अभी यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर आगे अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। ये जो स्पॉट है, एक्चुअली हमेशा मैं यहाँ पे रुकता हूँ। पता नहीं क्या चीज़ है ये स्पॉट में, लाइक आप टोल दे देते हो, आप पैसे दे देते हो, जैसे ही आप एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर लग जाते हो, तो ये एक जो है ये स्टॉप है, काइंड ऑफ फूड जंक्शन है, तो यहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ, तो वही आज भी करेंगे। बहुत बड़ा कांड हो गया। सहगल सर्विस सेंटर, तो यहाँ पे अपनी मारुति की गाड़ी है। सो हुआ है इतना बड़ा कांड। अभी आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ। बदाम से पिक्चर तैयार कर सी। सो दोस्तों, सीन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी लोनावला के, जो यू नो अपहिल रहता है, आपको पता है, लाइक सैटरडे संडे जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उसकी वजह से सब गाड़ियाँ एक के पीछे एक चल रही थी, लाइक सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, बहुत धीरे के स्पीड पे थे। और वही टाइम पे ये गाड़ी एक हुंडई वरना के पीछे थी, एंड ऑन अ अपहिल, शायद से वो हुंडई वरना वाला नया ड्राइवर था या क्या था पता नहीं, बट वो बंदा पीछे आ गया और उसको हिट कर दिया। तो लाइक लगभग कितनी 10 स्पीड ला सर? लाइक 15 के स्पीड के ऊपर इसको टच किया, आगे से आने वाली, पीछे तो ये भी आगे जा रहे थे और वो पीछे आ रहा, तो लाइक हुआ हिट और ये सब हो गया। बट हुंडई वरना वालों का लाइक एक स्क्रैच भी नहीं लगा, उसकी वजह से फिलहाल जादव सर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है कि लाइक उसको कुछ भी कैसे नहीं हुआ और मेरी गाड़ी की, लाइक अभी यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस में दे रहे हैं गाड़ी, और इंश्योरेंस में गाड़ी रख के फिर शायद से 10 दिन में गाड़ी मिल जाएगी, लेट्स सी। तो ये है हालत, पूरा रेडिएटर जो है वो अंदर आ गया है, लाइट भी, ये जो है ये लाइट का माउंटिंग यहाँ पे होता है, बट ये इतना पीछे चला गया है। उसके बाद ये सब रेडिएटर फ्लूइड है, तो हाँ हालत ख़राब। तो अपने ये है एडवाइज़र सर, एडवाइज़र कितना काम निकलेगा अभी बताइए। सर ये आगे से डैमेज हो गया है, तो आगे का बम्पर चेंज करना पड़ेगा, रेडिएटर, कंडेंसर, और पीछे जो गियरबॉक्स का माउंटिंग रहता है वो भी टूटा है। तो आपका काम इंश्योरेंस में हो जाएगा, जीरो डेप का इंश्योरेंस अपना अभी खत्म हुआ है, तो जो भी खर्चा आएगा वो 50% में, मतलब अभी 5 साल हो गया तो जीरो डेप नहीं रहता है ना, ऐसा कुछ है। तो अगर आपका भी गाड़ी कभी खराब होता है, मतलब ऑन द वे, तो ये लोनावला के नज़दीक ही बहुत अच्छा सर्विस सेंटर है, बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमको। मतलब गाइज, मैं पहले फ़ोन करके आया हूँ, पहले इनको पूछा सर हो पाएगा क्या, आप हेल्प करोगे क्या, लगभग मैंने 4-5 जनों को फ़ोन किया लोनावला के अंदर, तो जो रेडिएटर है किसी के पास भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये सर्विस सेंटर में अवेलेबल था। सर अपना सर्विस सेंटर का नाम और नंबर दे पर एकदम।
आपल्या सर्व्हिस सेंटरचं नाव आहे सेगल ऑटो रायडर्स लोणावळा आणि सर्व्हिस संदर्भात तुम्ही सिक्स टाइम्स एट वन थ्री फाइव टू पे आप कॉल करके अगर आप कभी भी लोनावला आ रहे हो गाड़ी में कुछ भी इशू हो जाता है या फिर यू नो मेरे जैसा ऐसा ठुक जाती है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। और 1358 ओके मतलब डबल बार सिक्स और फिर आगे ये दो नंबर ओके हाँ चलो सर थैंक यू सर आपका नाम मेरा नाम है भीमा भीमा तो भीमा सर ने अपनी गाड़ी ली है अभी पूरी जिम्मेदारी भीमा सर के ऊपर चलेगा सर अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि जो वो गाड़ी के कुछ बंदे हैं मतलब मेरे डैड और भी एक दो जन तो वो बस से जा रहे हैं टुवर्ड सातारा फिर सातारा में गाड़ी का ऑलरेडी अरेंजमेंट हो चुका है और अभी हम जो है ये गाड़ी में कुछ पांच लोग जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके और एक बंदा डाल के छः जन हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड सातारा और ये जो एक जगह है ये है वैशाली शुद्ध शाकाहारी यहाँ पे मैं लास्ट टाइम जब भी गोवा आया था अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट टाइम तभी मैंने यहाँ पे जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना है वो खाया था और बहुत ज़्यादा बढ़िया था लाइक जो इसका पिठला भाकरी है उसके बाद भरलेले वांग आणि गए अपनी भेंडी फ्राई लाइक एक नंबर अगर आप महाराष्ट्रियन है तो डेफिनेटली एक बार तो ये रूट के ऊपर यहाँ पे आपको आना बनता ही बनता है तो अभी टाइम है आपके मुँह में थोड़ा सा पानी लाने का अरे ये बहुत ज़्यादा खाना हो गया बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा खा लिया हाँ मस्त तूप लावलेली भाकरी विक्री आणि पिठलं असल्यावर यार मराठी माणसाला अजून काय पाहिजे नाही का पोरांनो जेवण एकदम मस्त आणि गावठी जेवण आपलं जेवल्यासारखं वाटत होतं एकदम छान रेकमेंडेड क्या व्यू है यार लाइक अभी हम लोग थोसेघर जो वाटरफॉल है जो कि वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल है उसे देखने के लिए जा रहे हैं और ये सातारा से आगे हम लोग आ गए एंड वहाँ पे है इंद्रधनुष ये रहा व्यू वहाँ पे कुछ छोटी छोटी पवन चक्की टाइप भी था हाँ ये है टिकट कॉस्ट 30 rupees per person फॉर थोसेघर वाटरफॉल और इसका सीन ऐसा है कि अभी आपको थोड़ा सा नीचे चल के जाना है और ये जो कंप्लीट चलने के लिए जो रूट है ना अगर उसको आप देखोगे तो क्या मस्त जगह से डेकोरेट किया गया है लाइक ये देखो चलने के लिए इतना मस्त रोड है यहाँ पे ग्रीनरी यहाँ पे भी ग्रीनरी और यहाँ से अपन चल रहे हैं हाँ यार लाइक मुझे जॉगिंग और वॉकिंग करना पसंद नहीं है इसीलिए ये सब लेकिन अगर ऐसी जगह पे मैं रुकूँ ना तो डेफिनेटली सब ख़त्म हो जाएगा देखो दे तो पवन चक्की वो देखो भावे पवन चक्की है क्या बाइट देते लगभग 5 मिनट के नीचे वॉकिंग के साथ हम लोग यहाँ पे आ गए राइट राइट और ये रहा धरना थोड़ा भी नज़दीक से दिखा दो आपको तो यहाँ पे सज्जनगढ़ है और यहाँ से जो एक व्यू है ना दिस इज अल्टीमेट अभी लगभग शाम के 6 बज रहे हैं एंड बस यहीं पे आज का दिन ख़त्म आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस कल के वीडियो में कास पटर घूमेंगे और भी बहुत सारी कास लेक और भी एक दो जगह है जो इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सो कल का वीडियो देखना ज़रूर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हो बाय गाइस बाय गाइस